हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग एवरी वन एंड वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक नीट यू जी दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव और आज का हमारा जो सेशन है इसके अंदर इसके अंदर हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर की शुरुआत आज होगी फटाफट से लिंक को शेयर कर लीजिए सो वी कैन स्टार्ट विद आ सेशन जल्दी जल्दी से आ जाओ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे बाकी तो न्यूज़पेपर रीडिंग वाले मैं आपके साथ फटाफट से सारी चीज़ें क्लियर करूंगी जल्दी जल्दी से आ जाओ फटाफट से आ जाओ लिंक को शेयर करो भाई कहाँ गायब रहते हो तुम लोग इससे पहले मैं फटाफट से आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूँ अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है अगर आपका फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच करता है और अगर आप सिर्फ ऐसे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू नहीं मेरी पर्सनल मेंटरशिप के अंदर मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंदर मेरे साथ जुड़कर अगर नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं अन अकेडमी के पेड सब्सक्रिप्शन है प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके आप मेरे साथ जुड़कर और सिर्फ मैं नहीं इस प्लेटफॉर्म पर इंडिया के 50 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के इनके साथ जुड़कर आप अपनी नीट की जर्नी को तय कर सकते हैं यहाँ पर आपकी रेगुलर लाइव सेशन्स चलती हैं ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज़ हैं रिकॉर्डेड क्लास की लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोज़ का एक्सेस भी आपको मिल जाता है ठीक है कैसे आप जुड़ेंगे हमारे साथ तो तो सिंपल से स्टेप है प्ले स्टोर पे जाए प्ले स्टोर पे जाकर आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे आपके सामने गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है आपको उसे क्लिक करना होता है फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछते हैं आप नीट यूजी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आप नीट यूजी जी उसमें भरेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके से वन थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन अवेलेबल है फिलहाल ये दस परसेंट डिस्काउंट के बाद बता रखा है छह महीने का सब्सक्रिप्शन अट्ठाईस हजार का है वन ईयर थर्टी एट थाउजेंड एंड टू ईयर फिफ्टी सिक्स थाउजेंड लेकिन आपको इतना नहीं पे करना होता प्रोसीड टू पे के पहले आपको एक कोड लगाना है चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले चाहे आइकॉनिक दोनों में ये फायदे आपको मिलेंगे आपको एक कोड अप्लाई करना होता है जो कि आपकी अपनी मैम का नाम है शिवानी इस कोड को अप्लाई करने के कई सारे फायदे हैं पहला फायदा तुरंत नजर आता है वो है आपको आपकी फीस पर सीधा सीधा दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा प्लस आप मेरी मेंटरशिप मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे यू कैन बी द पार्ट ऑफ माय सुपर इटीज थ्रू आउट योर नीड जर्नी आई विल गाइड यू डीपीपी क्वेश्चन बैंक स्टडी मटेरियल सब आपको मिलेगा मेरे हैंड ये क्लास नोट ने शॉर्ट नोट्स जो रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल है वो भी आपको मिलेंगी तो ये और स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए बैक पोर्शन को कैसे कवर करना है डेली आपको टारगेट्स दिए जाते हैं उनके टेस्ट मैं खुद कंडक्ट करती हूँ तो इस तरीके से कुल मिला आप मेरी छत्र छाया में रह के नीट की जर्नी को तय कर सकते हैं और ऐसा नहीं कि आप इस कोर्ट को अप्लाई करके सिर्फ मुझसे पढ़ सकते हैं इंडिया के पचासवीं ज़्यादा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब आपके लिए ओपन हो जाएंगे ठीक है इट इज़ ऑल अबाउट दिस जिसने भी अभी तक नहीं किया कितने लोग स्पेशल क्लासेस लगा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दिया है मैंने अनअकेडमी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर नहीं फ्री सेशन होते हैं तो अटेंडिंग द क्लास हो गए अन अकेडमी डॉट कॉम एट द रेट शिवानी वन नाइन नाइन जीरो पर मुझे फॉलो कीजिए यहाँ पर आप मुझे फॉलो करते हो तो यहाँ पर मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आता है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के, के लिए किन कॉन्टैक्ट में है सब्सक्रिप्शन मेरा कोड लगा के लिया है तो यहाँ पर बता सकते हैं फिर प्लस क्लास में बता सकते हैं बहुत इंटरेक्टिव पैनल है वहाँ पर भी हमारा इंटरेक्शन हो जाता है जिससे कि दस डिस्काउंट के अलावा के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाए दूसरा यहाँ पर मुझे फॉलो करके गेट नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी सारी फ्री क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एज आई टोल्ड यू ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आज ही मैंने शुरू किया है जिसकी दो क्लासेज मैं ले चुकी हूँ सुबह आठ बजे ली थी और रात शाम चार बजे ली थी कल भी सुबह आठ बजे और शाम चार बजे यहाँ पर क्लास होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेक इट श्योर यू विल बी डेयर ठीक है संडे को टाइमिंग्स चेंज होगी बाकी मंडे तक टाइमिंग सही रहेगी ट्यूजडे से, से चेंज होंगी वो मैं आपको बता दूंगी ठीक है इट इज अबाउट दिस चलिए लेट्स गेट स्टार्ट Started with our session that is the biodiversity and conservation. Let me check your comment. Hmm. No, am I properly audible and visible, guys? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को हम लोग सुनिए बायोडायवर्सिटी चैप्टर का जैसा नाम है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन अब अगर कोई एलियन या फिर हम खुद भी वी आर अमेज कितनी सारी वैरायटीज हमारे प्लानिट पर हैं मतलब आम्स अपन दो नॉर्मल एक आम बंदा सोचे तो आंट चीटियों में सोचता है कि लाल चींटी एक काली चींटी बस और एक चीटा इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता होता बट थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज़ हैं इसकी आंट्स की मैंगोस की हज़ारों वरायटी हैं आम की ठीक है मतलब बहुत सारी आप प्लानट और इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी लेकिन धीरे 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 ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी हो रहा है तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर की बायोडाइवर्सिटी के लॉस का क्या कारण है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कॉज ऑफ़ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और अब अगर जा रही है लॉस हो रहा है तो इसको कंजर्व कैसे किया जाए तो इसका कंजर्वेशन इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कॉजस ऑफ द लॉस ऑफ़ बायोडाइवर्सिटी इसके कन्जर्वेशन के क्या तरीके हैं और भी कई चीज़ हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डील करेंगे इकोलॉजी की बात हम लोग करें अधिकतर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से कंजर्वेशन वाले पार्ट से इसमें क्वेश्चन जरूर आ जाता है तो चलो थोड़ा सा इसमें देखते हैं फिर मैं डायरेक्टली आपके साथ वही डिस्कस करूंगी मेजर सेक्शन जहाँ से क्वेश्चन आता है मैं आपको हैंड रिटन पढ़ाऊँगी ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन दे रखा है कि रिच इन बायोडाइवर्सिटी है ठीक है ये बता रहा है कितना क्या है देखो अः इवन फॉर द मतलब बहुत ही अमेजिंग है कि इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी हमें यहाँ पे मिलती है देखो लगभग देखा जाए द कॉमन मैन विट फाउंड हार्ड टू बिलीव दैट देर आर बीस हजार से भी ज्यादा स्पीशीज है आंट्स की चीटियों की प्रजाति बीस हजार से भी ज्यादा है देर आर थ्री लैक स्पीशीज ऑफ बीटल्स फिशेस की अट्ठाईस हजार प्रजातियां हैं और लगभग बीस हजार स्पीशीज है ऑर्किड्स की तो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है ठीक है इनमें से सबकी याद रखने की जरूरत नहीं एक मैंगो के लिए आता है एक राइस की वेराइटीज आती है ये दो एटलीस्ट इनके आंकड़े ज़रूर याद रख लेना वो तो मैं आपको धीरे धीरे सेशन जैसे प्रोसीड होगा आई विल लेट यू नो अबाउट द सेम ठीक है ये तो जस्ट जानने के लिए कि आंट की भी हम सोचते हैं दो चार छः इन सारा हम जानते नहीं है बट देयर आर बीस हजार से भी ज़्यादा स्पीशीज हैं तीन लाख स्पीशीज़ हैं बीटल्स की अट्ठाईस हज़ार स्पीशीज़ हैं फिशेस की और ऑर्किड्स की भी ट्वेंटी थाउजेंड स्पीशीज़ हैं तो कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है इनके आंकड़े याद रखें ना रखें आप अपने नोट नोट्स में हाईलाइट कर लेना मैं लिखवा दूँगी राइस और मैंगो का आप जाता है ठीक है तो ये हमने डिस्कस किया तो ये इतना ज्यादा बायोडावर्सिटी वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द दायोस्फेयर क्या इंपॉर्टेंस है तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे ठीक है ये देखा है देखो जस्ट जो सुपरफिशियल चीजें वो मैं ऐसे ही न्यूजपेपर रीड लगाऊंगी बाकी डिटेल में आपको खुद हैंड रिटन जाऊंगी तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हियॉरिकल लेवल है बायोडाइवर्सिटी एक जेनेटिक लेवल पर है जिसमें जेनेटिक लेवल पर हम उसको बचाएंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी दा, दा, है एक स्पीशीज डायवर्सिटी होती है आएगा देखो इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी में लिखा है ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट पचास हजार से ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस और एक हजार वेराइटीज ऑफ मैंगोज जो है ये आपके इंडिया केवल इंडिया की बता रही हूँ इतने जेनेटिक वेरिएशन तो आपके इंडिया के अंदर ही पाए जाते हैं पचास हजार से ज्यादा मोर देन फिफ्टी थाउजेंड वेराइटीज ऑफ राइस और एक हजार से ज्यादा एंड वन थाउजेंड वेराइटीज ऑफ मैंगो ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूं मैं ये तो इंडिया में ही पाए जाते हैं पचास हजार प्रजातियां हैं आपकी राइस की भी ये क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज लिखा हुआ है ये लाइन जरूर याद रख लेना बेटा ठीक है पचास हजार फिफ्टी थाउजेंड जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस एंड वन थाउजेंड वेराइटीज ऑफ मैंगो फाउंड इन इंडिया इंडिया के अंदर इतना ये पाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है स्पीशीज डाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ स्पीशीज के अंदर डाइवर्सिटी आपको कुछ नहीं आता मैं डायरेक्टली आ रही हूं डायरेक्ट में जो जो ये देखो डायरेक्ट जो जो याद रखने वाली चीजें जहां से क्वेश्चन आते हैं, मैं डायरेक्ट आपको वहीं ले जाती हूं ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें सारे याद होना हो मैं प्रेफरेंस लिस्ट बता देती हूं यहां से तो आता ही आता है यहां से भी आ जाता है फिर ये एक ठीक है आप कर लेना हूँ तो सबसे ज्यादा थ्री टिक जहां पर फर्स्ट प्रेफरेंस देन सेकंड प्रेफरेंस प्लांट्स वाला थर्ड प्रेफरेंस वल्टीब्रेड्स को दे देना ये और यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन आ रखा है डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन डायग्राम से आता है शुड बी ऑन योर टिप्स क्या है सुनिए सिंपल से ये दे रखा है कि इन में सबसे ज़्यादा पता है अगर सेवेंटी परसेंट जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है उसमें सत्तर प्रतिशत से ज़्यादा तो एनिमल्स हैं बचे हुए सिर्फ प्लांट्स हैं एनिमल्स में भी मोर देन सेवेंटी परसेंट आर इंसेक्ट सत्तर परसेंट लगभग इंसेक्ट है यानी कि आप दस एनिमल्स को देखोगे तो उनमें से सात आपको इंसेक्ट ही मिलेंगे अब इंसेक्ट में देखा है कि सबसे ज़्यादा तो इंसेक्ट होते हैं उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा है द अदर ग्रुप ऑफ एनिमल तीसरे नंबर पे पर दस एनिमल्स में आप देखोगे तो सात तो इंसेक्ट होंगे तो इंसेक्ट है तो सबसे ज्यादा ये आपके इनवल्टीब्रेड में जो ये दे रखा है डायग्राम सबसे ज्यादा जो है वो इंसेक्ट्स है उसके बाद दूसरे नंबर पर ये वाला ग्राफ सबसे ज्यादा दिख रहा है इसमें आपके अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स आते हैं तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है दे आर द मॉलस् और सबसे कम दे रखे हैं इसमें क्रस्टेशियंस ये एज इट इज आपको ध्यान रखना है ये डायग्राम डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है ठीक है सत्तर परसेंट एनिमल्स हैं टोटल बायोडाइवर्सिटी में देखें बाकी के प्लांट्स हैं और एनिमल्स में भी सत्तर परसेंट इंसेक्ट हैं ठीक है ठीके? फिर प्लांट्स वाला देखो मैक्सिमम फंजाए हैं देन एनजियोस्पॉम देन एल्गी और लाइकन इधर मॉसज एंड फंस है एज इट इज़ ये आता है फनजाए और एनजीएस पम याद रखना सबसे ज़्यादा ये है फनजाए हैं एनजीएस पम्प फिर एल्गी फिर लाइकन फिर मॉसज एंड फंस यहाँ पर 50 परसेंट तो फिश है बाकी 50 परसेंट मैमल्स बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आते हैं ये एज इट इज़ बच्चा डायग्राम याद रखना है ठीक है डायग्राम एज इट इज़ याद रखना है हाँ आज ही स्टार्ट किया है अनकेडमी प्लेटफॉर्म पर मैंने आ, क्या बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आप सुबह सेशन्स लगाइए जिन्होंने नहीं देखे उसके रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो आज की क्लास के तो दो पार्ट हो चुके हैं और अभी पब्लिश नहीं किया है सेशन के तुरंत बाद में पब्लिश कर दूंगी कल सुबह क्लास होगी आठ बजे ठीक है तो ये हमें एज इट इज़ बहुत थोड़ा सा सेक्शन है इसमें एज इट इज़ ये डायग्राम शुड बी ऑन योर टिप्स कि आपके इसमें याद रखोगे कि मोर मोर देन सेवेंटी परसेंट तो एनिमल्स ही होते हैं सेवेंटी परसेंट तो एनिमल्स ही होंगे पॉइंट्स पूरा आप बैड है देखोगे एनिमल्स में भी सेवेंटी परसेंट तो इंसेक्ट्स ही होते हैं सेवेंटी परसेंट इंसेक्ट्स का मतलब ये है अगर आप टोटल टेन एनिमल्स को देख रहे हैं आउट ऑफ टेन एनिमल्स इनमें से सात इंसेक्ट ही होंगे सेवन इंसेक्ट होंगे दीज इज नथिंग तो इसमें सबसे ज्यादा आपके इंसेक्ट फिर दूसरे नंबर पर अदर ग्रुप ऑफ एनिमल फिर तीसरे नंबर पर, पर सबसे क्रम क्रस्टेशियंस इसमें भी फंजाई और देन एल वी लाइक फॉन्स एंड डलीस फिफ्टी परसेंट फिशेज बाकी बचे मैमल्स बर्ड्स रपटाइल्स एंड डांस ऐसे आप ये डायग्राम याद रख लेंगे एज अट उसके बाद एक मैं आ, कुछ नहीं करना ये मैं आपको वो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ये रहा ये एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पर इन्होंने क्या किया एक जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफिस्ट है अलेक्सेंडर वॉन हम्बोल्ट ये इन्होंने क्या देखा अलेक्सेंडर वॉन हेम्बर्ट ने जब ये साउथ अमेरिका के जंगल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे वाइल एक्सप्लोरिंग द साउथ अमेरिकन जंगल्स ये देखा कि जितना ज्यादा एरिया आप कवर करते हैं जितना ज्यादा एरिया आप कवर करोगे उतनी ही ज्यादा स्पीशीज रिचनेस होगी देखो फाउंड दैट विद इन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द एक्सप्लोर्ड एरिया मतलब जितना ज्यादा आप एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है लेकिन ऐसा एक सर्टन लिमिट तक होता है, उसके बाद नहीं होता स्पीशीज एरिया सॉरी हाँ जी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पर क्वेश्चन आता है बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल याद रखना अलेक्सेंडर वॉन होम्बर्ट ने दिया था स्पीशीज एरिया रिलेशन जब जब साउथ अमेरिकन जंगल्स को एक्सप्लोर किया तो उन्होंने देखा कि जितना ज्यादा एरिया हम एक्सप्लोर करेंगे स्पीशीज रिचनेस उतना ही बढ़ रहा है लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही होता जाएगा इट बट ओनली अप टू ए लिमिट एक लिमिट तक बढ़ता है रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया ये एक रेक्टेंगुलर हाइपर वोला का ये एक रिलेशनशिप बनता है बस दैट इज द थिंग और ये रेक्टेंगुलर हाइपर वोला लगेरा थे स्केल के अंदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट्स ऑल इट इज ऑल अबाउट दिस अलेक्सेंडर वॉन होमबर्ल्ट ने दिया स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप साउथ अमेरिकन जंगल्स को एक्सप्लोर करते हो कि जितना ज्यादा एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं स्पीशीज रिचनेस उतना ही बढ़ रहा है बट दिस इंक्रीज ओनली अप टू अ लिमिट उसके बाद ऐसा नहीं होता है ठीक है अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये रेक्टेंगुलर द रिलेशनशिप इज द स्ट्रेट लॉगेरेथम स्केल के अंदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन बाकी इट इज एन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बॉल दैट सेट दैट सेट अबाउट द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ये आपको ध्यान रखना और ये कुछ नहीं पढ़ना कुछ नहीं करना ये हमें इसके बाद हाँ ये रिवेट पॉफिट ये वाला एक मुझे आपके साथ डिस्कस करना है ये एक थ्योरी ये एक मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है वो ये है बेटा इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी जो कम होती जा रही है इसके जो इफेक्ट है ये पॉल एंड रिच रिवर्ट पोपर हाइपोथीसिस के थ्रू इन्होंने ये बताया इन्होंने क्या बताया जैसे एक एयर प्लेन है एक एरोप्लेन है ठीक है इसके सारे पार्ट्स आपस में बोल्ट से कनेक्टेड हैं ठीक है ठीके? अब ये जो एयरप्लेन है इन्होंने मान लो इसको इकोसिस्टम ले लिया इसके सारे पार्ट्स आपस में ऑल पार्ट्स आर ज्वाइन टूगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स यानी कि वो जो स्क्रू जो है ना जिससे रिवेट्स के थ्रू जुड़े हुए तो रिवेट्स इसमें हो गई स्पीशीज अब मेरी बात सुनना अब क्या करता है जैसे एक एक पैसेंजर जाता है वो एक एक स्क्रूज का निकालता चला जाता है तो ऐसा नहीं है कि भाई अभाव उड़ान ही नहीं भर पाएगा ये एयरप्लेन इतना कोई एकदम से इतना नुकसान नहीं हो जाएगा एक एक बोल्ट आता है निकालता रहा यानी कि थोड़ी थोड़ी एक एक स्पीशीज कम होती जा रही है ठीक है अब ये यही लिख रहा है जर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग रिवर टू टेक होम अपने साथ ले जा रहा है स्क्रू कॉल के धीरे तो धीरे लेकिन इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा इट मे नो अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी कोई फ्लाइट की सेफ्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा बट धीरे 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 क्या होगा ये फ्लाइट कमजोर हो जाएगी देखो इनिशियली बट एज मोर एंड मोर रिवर आर रिमूव जितने स्क्रू निकलते जाएंगे प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर है मतलब धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाएगा ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अब मेरी बात ध्यान से सुनना इसमें तो लिखा है जो मतलब कुल मिला के रेवेट पोपेड हाइपोथेसिस में क्या बोला जैसे एक एयर प्लेन है आपको लिख के समझाती हूँ ये एयरप्लेन है ठीक है इसको हमने इको सिस्टम कंसिडर आउट कर लिया और इसके सारे पार्ट आपस में एक दूसरे से रिवेट के थ्रू जुड़े हुए हैं इसको हमने स्पीशीज कंसिडर आउट कर लिया सारे पार्ट एरोप्लेन के स्क्रू से जुड़े हुए होते हैं ना अब वो ये कह रहा है कि धीरे जैसे जैसे एक पैसेंजर आता है एक एक स्क्रू अपने साथ लेते चला जाता है तो ऐसा कोई जैसे एक सीट से एक स्क्रू निकल गया हर एक सीट से एक एक स्क्रू निकल गया हैंडल से एक एक स्क्रू निकल गया विंडो का एक एक स्क्रू निकल गया तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा ऐसा कोई बहुत ज्यादा सेफ्टी पर इफेक्ट नहीं होगा बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर बार यही कर रहा है एक पैसेंजर आता है एक बोल्ट डालता है अपनी जेब में डाल के घर ले जाता है तो धीरे 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 ये प्लेन की सेफ्टी के लिए डेंजरस हो जाएगा अब एक समय ऐसा आएगा कि किस जगह का स्क्रू मैं निकाल रही हूँ ये ज्यादा इफेक्ट करेगा जैसे कि जो विंग्स पर स्क्रू अगर निकालेंगे तो ये ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर कि मैं खिड़कियों से कोई रिवेट यानी कि वो निकाल लूँ तो जो फ्लाइट की जो विंग्स है उससे स्क्रू निकालना यानी की कि वहां की, की स्टोन स्पीशीज का एलिमिनेट होना तो इकोसिस्टम है ना एयरप्लेन धीरे धीरे और ये जो स्क्रूज की स्पीशीज हैं तो एक एक करके गई तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा बट धीरे धीरे ये इस इको को वीक बनाता है और अगर की स्टोन स्पीशीज यानी कि द रिवेट फ्रॉम द फ्लाइट अगर उसके विंग से अगर हम निकाल दें तो इट बिकम डेंजरस एंड इट मे डिस्ट्रॉय द इको सिस्टम दैट इज द थिंग तो ये फ्लाइट की सेफ्टी के लिए हार्मफुल होगा इज इट क्लियर रिवेट पोपर हाइफोथेसिस देखो मैं यही सब इसमें लिखा हुआ बढ़ा देती हूँ देखो द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी ये पॉल एंड्रिच ने रिवेट पोपर हाइपोथेसिस से बताया एयर प्लेन को इकोसिस्टम माना इसके सारे पार्ट्स सा आपस में हजारों राइवेट्स यानी कि स्पीशीज हम इसको बोल रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ था अब जो पैसेंजर इसमें ट्रैवल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं धीरे धीरे एक एक रिवेट को निकाल के अपने साथ घर ले जा रहे हैं लेकिन ये फ्लाइट की सेफ्टी को, को कोई प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है इसकी फ्लाइट की सेफ्टी पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है बट धीरे धीरे क्या होगा जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा जितने ज्यादा स्क्रू रिमूव हुए प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर ये धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा फर्दर मोर कि किस जगह का रिविट विच फिर बाद में क्या कि किस जगह का रिविट निकला है ये भी क्रिटिकल हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग्स अगर विंग्स से रिविट निकलता है यानी की, की स्टोन स्पीशीज का रिमूवल इट इज ऑब्वियसली मोर सीरियस थ्रेट टू द फ्लाइट सेफ्टी इसके कंपेयर में हम विंडो से या फिर प्लेन की सीट से अगर निकालते हैं तो दैट इज द थिंग ठीक है इसमें रिवेट्स जो है स्क्रू स्पीशीज है रिवेट्स ऑन द विंग की स्टोन स्पीशीज है की स्पीशीज है यहां तक क्लियर हुआ आपको और एयरप्लेन इज द इको सिस्टम इज इट क्लियर रिवेट पोपर हाइपोथेसिस ते रिवेट पोपर हाइपोथेसिस स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप सिर्फ कुछ की पॉइंट्स मैंने जो आपको स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में बताया वो भी लिख देती हूं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जो है अलेक्सेंडर होन हमबर्ल्ट ने दिया जब ये साउथ अमेरिका के जंगल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे वाइल्ड एक्सप्लोरिंग द साउथ अमेरिकन जंगल्स वाइल्ड एक्सप्लोरिंग द साउथ अमेरिकन जंगल्स इन्होंने क्या बताया कि जो स्पीशीज रिचनेस है ये बढ़ती रहेगी इंक्रीज। स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द एक्सप्लोरिंग एरिया जितना ज्यादा एरिया आप एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी बट ओनली अप टू अ लिमिट एक लिमिट तक ही ऐसा होता है उसके बाद नहीं बढ़ेगी बट ओनली अप टू अ लिमिट फिर हमने देखा कि इसका जो वो आता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और लगैरथम स्केल के अंदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन लोगारेथम स्केल में अगर आप देखेंगे इट इज स्ट्रेट लाइन क्लियर याद रखिएगा चावलों की हम बात करें राइस की मोर देन फिफ्टी थाउजेंड पचास हजार से ज्यादा स्पीशीज है एज इट इज एन में मिल जाएगा बाकियों के आंकड़े याद हो ना हो इनके याद रख लेना मैंगो के एक हजार स्पीशीज प्रेजेंट है इन इंडिया ठीक है और फिर वो इनवर्टिब्रेट वल्टीब्रेड्स और प्लांट्स का जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था कि तो तो सेवेंटी परसेंट सबसे ज्यादा तो इंसेक्ट है फंजाइए फिर एनजियम फिर एल्गी फिर और लाइकन और रोफर्न एंड एलिज मोस वाला वो तीनों डायग्राम्स इट शुड बी ऑन योर टिप्स अभी तक जो क्वेश्चन आता है ये वाला पॉइंट से स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप से रिवेट पोपर हाइपोथी से और ये जो मैंने आपको अभी बताया ठीक है ये जो तीनों डायग्राम से, ये आपको याद होना चाहिए इसके बाद इसके बाद बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस का कारण हम बताएंगे जैसे इस इसमें जो तीन मेजर कारण जो दे रखे हैं यहाँ पर मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ नेचुरल एक्सटिंक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन एंड मास एक्सटिंक्शन मास एक्सटिंक्शन के माना जाता है अभी तक के फाइव एपिसोड्स जो है हो चुके है क्या कैसे डिटेल में पढ़ाती हूँ जस्ट गिव मी अ सेकंड फॉर दिस एक तो बायोडाइवर्सिटी की लॉस नेचुरल एक्सटिंक्शन बताया नेचुरल नेचुरल कंडीशन नेचुरल नेचुरली ये हो रहा है एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से कुछ स्पीशीज इसके साथ अप नहीं कर पाती जो अप नहीं कर पा रही वो एलिमिनेट हो जाएगी जो कर पाएगी वो सर्वाइव करेगी तो एक नेचुरल एक्सटिंक्शन है जो बहुत ही धीरे रफ्तार से होता है मास एक्सटिंक्शन ये सारे बहुत सारी चीजें इट इज द डाइंग ऑफ द एक्सटिमिनेशन और अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज कुछ नेचुरल आपदाओं की वजह से ये होता है ऐसे अभी तक ऐसा माना गया है फाइव एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज हम हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करते हैं जानवरों की हंटिंग करते हैं पॉपुलेशन इस तरीके से ये हमने किया। अब आ जाओ <coughs> डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के क्या क्या कारण है ठीक है इसमें हम पढ़ेंगे तो, एक तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ठीक है एक हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन आप इसके अंदर देखेंगे दूसरा आप कारण इसके अंदर पढ़ोगे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन है ठीक है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन है एलियन स्पीशीज इन्वेजन है एंड को ये चार कारण हम पढ़ते हैं और इन चारों का डिटेल डिस्कशन भी हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डील करेंगे जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कॉज ऑफ क्या कारण है इसमें हमने जो देखे इसके चार कारण हमने देखे दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ठीक है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इसका एक कारण है ओवर एक्सप्लाइटेशन ओवर एक्सप्लाइटेशन इसका एक कारण है एक आपका ओवर एक्सप्लाइटेशन एक कारण हो गया एक कारण जो है इसका यह है एलियन स्पीशीज इन्वेजन और एक जो कारण है इसका इट इज द को एक्सटिंक्शन। ठीक है दीज आर द कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या क्या बताया दैट इज दैबिटेड लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ओवर एक्सप्लॉइटेशन को एक्सटिंक्शन एंड द एलियन स्पीशीज इन विजन इन सबका डिटेल पढ़ेंगे अब, अब मान लो एक क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और ये चारों ही ऑप्शन देंगे तो आप क्या बताओगे इन चार ऑप्शन में सारे ही हैं बट मेजर कॉज जो है इट इज द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर कह दो मेजर कॉज है फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी दीज ऑल आर द रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बट मेजर रीजन जो है मेजर कॉज जो है इसके अंदर इट इज द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या है? नाम से पता लग रहा है जैसे पहले क्या होता हूँ आज से आप खुद ही देख लो कि कितना जबरदस्त तरीके से ये हो रहा है आप खुद ही देखो आप जिस भी शहर में रहते हो आज से बीस साल पहले जहाँ घना जंगल हुआ करता होगा जिस जिसको हम उस सिटी का आउटस्कर्ट मानते होंगे आज वहां मल्टी स्टोरीज और बिल्डिंग्स खड़ी है तो क्या हुआ हम रोड जंगलों में जगह रोड्स बनते हैं कैनाल्स वगैरह बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हैबिटेट लॉस हो रहा है ना वहां के जो पर्टिकुलर एरिया की जो वनस्पति होंगी जो जानवर होंगे हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं उनकी वो वहाँ से लुप्त हो रहे हैं

वैसे तो ह्यूमन हमेशा से ही अपनी ज़रूरतों के लिए नेचर पर डिपेंडेंट रहा है हम उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते चाहे हम खाने की बात करें चाहे हम शेल्टर की बात करें हमें रहने के लिए खाने के लिए बिल्कुल हम नेचर पर डिपेंडेंट हैं हम पेड़ों को ही उनका इस्तेमाल करेंगे बट दैट वॉज नॉट अ इशू क्योंकि नेचर की केपेबिलिटी होती है अपने आप को रिन्यू करने की बट एक लेवल तक उसके बाद नहीं होता तो जब ज़रूरतें इंसान की लालच में बदल जाए तो दैट इज़ द प्रॉब्लम तब वो टिक सीनरी और जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर पड़ता है तो ये भी एक कारण है ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन नेक्स्ट है ओवर ओवर डिटेल में मैं आपको पीपीटी आप से दिखाती हूँ नाम से ही पता लग रहा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जरूर से ज्यादा मैंने बताया ना कि ह्यूमन हमेशा से डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर द फूड एंड शेल्टर लेकिन जब जरूरत आपके लालच में बदल जाए तो क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम अपने आप को रिन्यू कर सकता तो है उसके बाद ये रिन्यू नहीं कर पा जाए करेगा तो फिर ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है एंड इट बिकम वनरेबल टू द एक्सटिंक्शन फॉर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से एक है डोडो स्टीलर सी कॉन द पैसेंजर पिजन इन्हें लास्ट फाइव हंड्रेड ईयर्स के अंदर ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन ह्यूमन के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से लास्ट पाँच सौ सालों के अंदर डोडो स्टील सीको एंड द पैसेंजर पिजन इनका हम ये विलुप्त हो चुकी हैं प्रजाति ये देखने को ही नहीं मिलती इनका एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हुआ है कुछ ऐसे कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज है मरीन फिशर्स की ये भी आपके लुप्त होने की संभावना इनकी बहुत ज्यादा होती जा रही है ठीक है नेक्स्ट इज द एलियन स्पीशीज़ इन्वेशन एलियन स्पीशीज़ क्या है जो एलियन क्या होता है हम जो नॉर्मली हमारे ग्रह का नहीं है जो दूसरे जादू ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी जादू दूसरे ग्रह से आया तो एलियन बोला ना तो एलियन स्पीशीज़ इन्वेशन क्या जो उस पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग नहीं करती एक्सीडेंटली या जानबूझ के जैसे भी वहाँ लाई गई लेकिन उसने क्या किया वो खुद तो फैल गई लेकिन वहां की जो लोकल स्पीशीज थी उसको नष्ट कर दिया उसने उसको खत्म कर देती है दैट इज तो, लोकल स्पीशीज तो विलुप्त हुई ना उस वजह से विट इज ऑल्सो द रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज द एलियन स्पीशीज इनवेजन समझ में आया एलियन क्या जो वहां की नहीं है इसे या तो एक्सीडेंटली आई या फिर इसे लॉन्च किया गया अब ये क्या करेगा जब ये एलियन स्पीशीज़ आती है तो ये खुद तो फैल जाएगी उस जगह पर और वहाँ की जो लोकल स्पीशीज़ है उसको नष्ट कर देती है दैट इज द एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं यानी कि एग्जाम्पल्स में सिर्फ नाम नाम याद रख लो डिटेल में पढ़ाऊंगी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है बाकी डिटेल में मोस्टली तो नाम से ही क्वेश्चन आ जाते फॉर एग्जाम्पल से मैं हाईलाइट कर रही करी जो याद एटलीस्ट जो तो रखना ही है जैसे कि नील पर्क बस इतना याद रख लेना ये एलियन एक एलियन स्पीशीज इनविजन का एक्साम्पल है अब इसको डिटेल पढ़ के सुना रही हूं, कि एक लार्ज फिश है जिसे लेक विक्टोरिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका की लेक में इंट्रोड्यूस किया गया था ये जो एलियन स्पीशीज थी नील पर्क इसने वहां की यूनिक इकोलॉजिकली यूनिक लगभग 200 सौ स्पीशीज ऑफ क्रिकेट फिशेज की एंडमिक स्पीशीज थी उनको नष्ट करने में इनका रोल रहा तो लॉस हुआ ना बायोडावर्सिटी लॉस 200 स्पीशीज ऑफ किकेट फिशेस को नष्ट कर दिया नील पर्क वहां एक एग्जॉटिक स्पीशीज ने तो किसने क्या किया उतना डिटेल याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात नहीं होगा तो चलेगा सिर्फ नाम नाम याद रख लेना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा तो नील पर्क जो है ये एक एलियन स्पीशीज एग्जाम्पल हो गया दूसरा कैरेट ग्रास दैट इज द पार्थीनियम ठीक है जो एक वीड खरपतवार है जो कि इंडिया में एज ए कंटामिनेट वीट को जब इंपोर्ट किया तो उसके साथ आ गया इसलिए भी काफ़ी सारे हर्ब्स और श्रब्स के एक्सटिंक्शन का कारण बनी तो बस नाम नाम डिटेल नहीं तो कैरेट गास् दैट इज द पार्थीनियम इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द एलियन स्पीशीज इनवेजन अनादर लेंटाना एक स्ट्रगलिंग श्रब है ट्रॉपिकल अमेरिका के अंदर इसे इंट्रो इंडिया के अंदर ये एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हुआ और नाउ इट इज अ सीरियसली बहुत सारी स्पीशीज इसकी वजह से नस्ट हुई फॉरेस्ट के अंदर तो ये इट इज अबाउट द लेंटाना एक है वेरी इंपॉर्टेंट वाटर हाइसिंथ दैट इज द आइकॉर्निया इसे यूरोपियंस ने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था इसने वाटर बॉडीज को क्लॉक करके बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के नाम विनाश का कारण बनी है ये वाटर हाइसिंथ सिर्फ नाम नाम याद रख लो याद नहीं रहे तो बाकी वाटर हाइसिंथ दैट इज द आइकॉर्निया ठीक है और रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश इसने भी बहुत सारी वहां की इंडिजीनियस कैटफिशेस को लिए थ्रेट रही तो दिस इज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एलियन स्पीशीज इनवेजन दैट्स ऑल अबाउट दिस सबसे पहला जो मुख्य कारण हमने देखा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए इट इज द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन बताया ना कि मतलब बिल्डिंग्स बन रही हैं मल्टीज बन रहे हैं जहाँ पहले जंगल हुआ करता था, ब्रिजेस बनाते हैं कैनाल्स बनाते हैं रोड बनाते हैं जंगलों के बीच में से भी तो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ना टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं उनके हैबिटेट के हैबिटेट लॉस हो रहा है बढ़ता जा रहा है शहर जहाँ पहले जंगल था उसको भी बढ़ा के खेती कर रहे हैं तो ये सब क्या है तो दिस इज द मेजर कॉज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फिर दूसरा हमने ओवर एक्सप्लोइटेशन देखा कि भाई हमेशा से इंसान मनुष्य जो है अपनी जरूरतों के लिए नेचर पर ही डिपेंडेंट रहा है चाहे खाने के लिए चाहे शेल्टर के लिए लेकिन जब जरूरत लालच में बदल जाए देन इट इट कॉज अ सीरियस प्रॉब्लम तो जैसे कि मैंने लगता तो लास्ट पांच सौ सालों के अंदर डोडो स्टीलर सी का ऑन द पैसेंजर पिजन ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ड्यू टू द ओवर एक्सप्लोइटेशन बाय ह्यूमन फिर हमने एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन के बारे में बात की कि भाई कोई बाहर से आए और वहाँ की लोकल स्पीशीज़ को ख़त्म कर जाए तो जैसे नील पर्क हमने पढ़ा एक लेंटाना स्ट्रगलिंग श्रब के बारे में हमने पढ़ा हमने कैरेट ग्रास पारथीनियम के बारे में देखा हमने वाटर हाइसिन दैट इज आइकॉर्निया के बारे में देखा और ये इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश ये आपकी एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन हो गई लास्ट जो कारण है इसका इट इज द को एक्सटिंक्शन को एक्सटिंक्शन क्या किसी किसी में बेटा ऐसा होता है ना म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है म्यूचुअलिज्म में यानी कि दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होती इकोलॉजी के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन मैंने बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया है सिंबाटिक एसोसिएशन है म्यूचुअल रिलेशनशिप है यानी कि दोनों को एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं होगी तो अगर इनमें से कोई एक चला जाए तो दूसरा अपने आप चला जाएगा क्योंकि दोनों की एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती ना तो दिस इज द को एक्सटेंशन साथ विलुप्त होना ये कौन होंगे जो आपस में एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट है इतने इस कदर डिपेंडेंट है कि एक दूसरे की लाइफ साइकिल इनके बिना कंप्लीट नहीं होती तो ये आपके को इसे कहेंगे आई थिंक इट इज क्लियर ठीक है क्लियर क्लियर है भाई रिजवान बच्चा टेलीग्राम फॉलो कर लो ना बेटा बोला तो था मैंने डेली शेड्यूल फिलहाल देखो मॉर्निंग नाइन थर्टी और शाम सात बजे तो YouTube पर मैं आई रही हूं फिलहाल ट्यूसडे तक संडे को शेड्यूल चेंज होगा ट्यूसडे तक का शेड्यूल स्पेशल क्लासेस का ये है कि रोज़ सुबह आठ बजे और शाम चार बजे मैं स्पेशल क्लासेस भी ले रही हूँ ट्यूसडे के बाद ये चेंज होगा रीजन चेंज का टाइमिंग चेंज होगा क्योंकि uh, मेरी प्लस पे क्लासेस होती हैं उस टाइमिंग्स पर तो वो टाइमिंग्स चेंज करके मैं क्या करूँगी इसके बारे में आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट द सेम ठीक है बस तब से जिसमें क्या है अब ये वैसे बहुत इजी सी चीज़ें थी जो मैं आपको बताती गई मैंने मेन की चीजें हाईलाइट कर दी हैं, जैसे कि एक स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कव जो मैंने आपको अलेक्सेंडर वॉल हम्बल्ट वाला बताया था एक रिवेट पोपर हाइपोथेसिस के बारे में बताया फिर मैंने आपको बताया कि वो तीनों डायग्राम्स के बारे में मैंने आपको बताया फिर मैंने आपको यहां पर बताया तीनों डायग्राम्स के अलावा कि पचास हजार से ज्यादा स्पीशीज चावलों की इंडिया के अंदर है और एक हजार स्पीशीज मैंगो की फिर इसके बाद ये कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने जिक्र किया इनके चारों पॉइंट जिसमें मेजर कॉज था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन एलियन स्पीशीज इन्वेजन के सारे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में ठीक है तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको याद हो गई होंगी एंड इज इट इज क्लियर टू एवरीवन राइट ना हुआ प्रेजेंट इन द क्लास प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स इज इट क्लियर नहीं शहबाज खान में रेगुलर भेज रही हूँ बेटा स्पेशल क्लास आज तक कल सुबह आठ बजे है वापस और शाम चार बजे क्लियर है क्या यहाँ तक यस यस चलिए इसके आगे बढ़ते हैं अब ये एक रेड डाटा बुक एंड आई यूसीएन के बारे में सुन लो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन इसके फुल फॉर्म से ही आ जाता है पहले तो आई द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सिस आई यूसी का फुल फॉर्म से भी आ जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जिसे हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं इसके हेडक्वार्टर से भी आ जाता है मॉर्थ स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है मॉर्थ स्विट्जरलैंड के अंदर इसका सॉरी यार रेड डाटा बुक और आई इंटरनेशनल पहला की पहला जो पॉइंट है IUCN का फुल फॉर्म दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज दूसरा की पॉइंट कहां पर इसका हेडक्वार्टर नॉर्थ स्विटरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है ये एक रेड रेड डाटा बुक या लिस्ट मेंटेन करता है विच इज ए कैटलॉग जिसमें जितने भी थ्रेटेड प्लांट्स और एनिमल है उसका पूरा एक लिस्ट होता है ठीक है अब इसमें आठ कैटेगरीज है जिनके बारे में डिस्कस करूंगी मैं ठीक है इसमें लिखा होगा रेड लिस्ट के अंदर इट हैज एट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं ये देखो मैं आपको समझाती जाती हूं एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड क्रिटिकली अंडेंजर्ड एंडेंजर्ड वनरेबल लो रिस्क डाटा डेफिशियंट एंड नॉट इवेल्युएटेड क्या है सुन लीजिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में क्या डिफरेंस है एक्सटिंक्ट तो यू आर हंड्रेड परसेंट श्योर अबाउट दिस थिंग कि उस स्पीशीज के लास्ट मेंबर की भी डेथ हो चुकी है दिस इज द एक्सटिंक्ट क्या बताया यू आर श्योर कि उस स्पीशीज के लास्ट मेंबर की डेथ हो चुकी है ये तो होता है एक्सटिंक्ट व्हाट इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब आपने अपनी आंखों से नहीं देखा है ओसामा बिन लादेन की तरह है इसकी कहानी आपने सुना होगा बचपन में ओसामा बिन लादेन मार आ गया कुछ खबर नहीं आती फिर आप कुछ चार पाँच महीने में कोई धमाका होता था फिर पता लगता अरे ओसामा बिन लादेन इसके पीछे था फिर तो पता लगा अरे मरा नहीं था यार फिर वापस कुछ टाइम बाद खबर आती थी ओसामा बिन लादेन मारा गया और फिर आप देखो कुछ धमाका उसके पीछे ओसामा बिन लादेन का फिर बाद में तो जनता ऐसी हो गई थी कि अब भैया डेड बॉडी देख लेंगे न्यूज़ कवर पर तभी मानेंगे ओसामा बिन लादेन मारा गया जब नहीं तो नहीं मानेंगे दैट इज़ द कहानी ऑफ एक्सटिंट इंड वाइल्ड इसको यू आर नॉट हंड्रेड परसेंट आपने अपनी आंखों से देखा नहीं है कि इस स्पीशीज के लास्ट मेंबर की डेथ हो गई है लेकिन ये स्पीशीज के जितने भी मोस्ट प्रोबेबल हैबिटेट्स यानी कि जहां जहां ये पाई जा सकती है वहां पर आपने देखा और उस स्पीशीज का कोई मेंबर नहीं मिला तो आप कह देते हैं एक्सटिंकट इन वाइल्ड ठीक है मतलब उस स्पीशीज की जो भी मोस्ट प्रोबेबल हैबिटेट है वहां पर देखने पर भी उस स्पीशीज का कोई मेंबर ना मिले तो इट इज द एक्सटिंकट इन वाइल्ड फिर है टर्म क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड एंड द दॉनरेबल स्पीशीज तीनों में डिफरेंस टाइम पीरियड का है अदरवाइज तीनों की तीनों एक चाहे मैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड की बात करूं चाहे मैं एंडेंजर्ड के बारे में बात करूं चाहे मैं वॉनरेबल के बारे में बात करूं तीनों की तीनों ही जो है दे आर फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पर होते हैं दे आर फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन ठीक है दे आर फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन ठीक है हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड है डिफरेंस क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो तुरंत प्रभाव से इमीडिएट फ्यूचर के अंदर एंडेंजर्ड मिड टर्म नियर बाय फ्यूचर के अंदर ठीक है नियर फ्यूचर के अंदर और वनरेबल मिड टर्म फ्यूचर के अंदर यानी कि इसको और ज्यादा समय लगेगा बस डिफरेंस टाइम का है क्रिटिकली एंडेंजर्ड इमीडिएट फ्यूचर के अंदर एंडेंजर्ड नियर बाय फ्यूचर के अंदर और वनरेबल मिड टर्म फ्यूचर के अंदर ऐसे लिखा है मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन टर्म से एक्सटिंक्ट और एक्सटिंट इन वर्ल्ड तो क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट हमने बताया क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड एंड वनरेबल क्या होता है देखो क्रिटिकली एंड तीनों में जो एक चीज कॉमन है तीनों के तीनों दे आर फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंक्शन इन द वाइल्ड फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन तीनों में ये चीज कॉमन है फेसिंग High risk of extinction in wild facing high risk of extinction, right? डिफरेंस क्या है बच्चा डिफरेंस ये है कि जो तीनों के तीनों हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पर है क्रिटिकली एंडेंजर्ड तुरंत प्रभाव से बहुत जल्दी इमीडिएट फ्यूचर के अंदर हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पर है इमीडिएट फ्यूचर के अंदर ठीक है एंडेंजर्ड इसके पास इससे थोड़ा ज्यादा समय है यानी कि नियर बाय फ्यूचर के अंदर और इनके पास इन दोनों से ज्यादा समय है यानी कि मिड टर्म फ्यूचर के अंदर डायरेक्ट इन टर्म से क्वेश्चन आता है हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पर है ठीक है ना क्रिटिकली अंडेन्जर्ड ना एंडेंजर्ड ना वनरेबल में डाल रहे हो तो उसको आप डाल दोगे लोअर रिस्क पे लिखना टेक्सॉन एट लोअर रिस्क वेन इट पैन भी ये ना तो क्रिटिकली अनडेंजर्ड एंडरेबल किसी के भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो लोअर रिस्क डाटा डेफिशिएंट अप्रोप्रिएट डाटा ही नहीं है नाम से पता डाटा ही नहीं है कि हम उसे किस कैटेगरी में डालें और नॉट एवैलुएटेड अभी तक हमने एवेलुएशन ही नहीं किया किसको किस कैटेगरी में डालना चाहिए तो दीज आर द एट लिस्ट जो था एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड क्रिटिकली अंडेंजर्ड एंडेंजर्ड वनरेबल एंड लोअरेस्ट और डाटा डेफिशिएंट में डाटा प्रॉपर नहीं है नॉट एवेलुएटेड में अभी तक हमने जांचा ही नहीं है उसको तो ये आपके आठ जो है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी रेड डाटा बुक और आई यू आई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इसका हेड क्वार्टर मॉर्थ स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है ये दोनों जगह से क्वेश्चन आता है ये आपको याद होना चाहिए इसके बाद कुछ एग्जांपल्स अब मैं यहाँ साइड हट रही हूँ इसके बारे में चिंता मत करो घबराओ मत सोच रहूँगे मैम ये क्या कर दिया इतना सारा कैसे याद करेंगे मैं बता दूंगी आपको सुनिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ठीक है स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगी टाइम ये कुछ थ्रेटेंड स्पीशीज हैं इंडिया के अंदर उनके ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल स्पीशीज कौन सी हैं एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज कौन सी हैं एंड वनरेबल प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज कौन सी है ये दे रखा है जो आपको याद होने चाहिए बट यहाँ पर लंबा चौड़ा लिस्ट है वैसे तो आपको याद होना चाहिए बट मान लो कोई बच्चा ऐसा है कि नहीं मैम नहीं हो पाएगा अभी कर भी लूँगा तो फर्क नहीं पड़ता बाद में तो याद हो रहेगा नहीं मुझे तो मैं आपको बता रही हूँ कि एटलीस्ट इतना इतना तो याद कर ही लेना ठीक है तो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करवा रही हूँ एटलीस्ट इतना इतना आप तो याद कर लीजिए जैसे कि क्रिटिकली अनजर्ड ये तो दोनों याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एंडेंजर्ड के अंदर एटलीस्ट पोडोफाइलम और ये भी याद होना चाहिए कई बार डायरेक्ट आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज एंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज पोडोफाइलम भी होता है ऑप्शन में नेपेंथिस भी होता है तो याद रखना पोडोफाइलम दोनों एंडेंजर्ड है लेकिन पोडोफाइलम इज द मेडिसिनल प्लांट नेपेंथिस पिक्चर प्लांट राव रावफियाना ये आपको याद रखना है एंड बेटनिक निको भी आ रहा है. At least ये याद रख लेना इसके अंदर एशियाटिक लाइन जाइंट पांडा वन हॉर राइनस कश्मीरी स्टैग रेड पांडा इंडियन एलिफेंट ब्लू वेल इतने सारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड साइबेरियन क्रेन ये सब एंडेंजर्ड एनिमल वाइल्ड एस ये सब एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज हैं आपको याद होनी चाहिए ठीक है वनरेबल में ब्लैक बग एनिमल याद रख लेना प्लांट ना भी हो तो चल जाएगा ये जो हाईलाइट करें ये तो वो कि अगर आपको लग रहा है वैसे तो 90 परसेंट तो प्रोबेबिलिटी यही होता है कि क्वेश्चन मेरे चीजों में से साइड हट रही हूँ जिससे कि आप आराम से देख सके हाँ जी तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो थ्रेटन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज दे रखी है इसमें इतने सारे दे रखे हैं स्क्रीन ले लो इसलिए मैं सामने से हट चुकी हूं सारे याद होते हैं बहुत अच्छी बात है कुछ बच्चे नहीं मैम नहीं याद हो रहे हैं हम कितना भी कोशिश कर ले मुझसे याद हो नहीं पा रहा और अभी हो जाता है फिर मैं बाद में भूल जाता हूँ तो अगर ऐसी राम कहानी है तुम्हारे साथ तो एटलीस्ट ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये याद रख लेना वनरेबल में एटलीस्ट वनरेबल है ब्लैक बर्ग सलमान खान ने जिसका शिकार किया था एंटीलोप ये वाला एंडेंजर्ड प्लांट में पोडोफाइलम नेपेंथिस दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो और याद रख लेना इसमें रेड पांडा बहुत इंपॉर्टेंट है एंडेंजर में बाकी वन हॉर राइनस कश्मीरी स्टैग इंडियन वाइल्डर्स ग्रेट इंडियन बास्टर्ड साइबेरियन क्रीन है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड याद हो जाए तो दोनों का लेना नहीं तो छोड़ भी सकते हो ठीक है तो ये एक चार्ट आपको याद करना है अब मैं इसके कंजर्वेशन के तरीके बताऊंगी हाँ जी लास्ट टॉपिक बचा है विल एंड अप विद दिस चैप्टर इसके कंजर्वेशन के तरीके में बताऊंगी ठीक है क्लियर है क्या बेटा क्लियर सी यस और नो अब सिर्फ इसका कंजर्वेशन बता जस्ट गिव मी सेकंड आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द सेम कल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले सुबह वाले सेशन के अंदर हाँ चलो Yes, ठीक है चलो अच्छा ये मैंने ये किया ही नहीं क्या <coughs> हाँ जी अब बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की मैं बात करूं तो इसके दो तरीके हैं ठीक है क्या है एक तो है इंसेक्टू कंजर्वेशन और एक है आपका एक्सेटू कंजर्वेशन इंसेक्टू कंजर्वेशन एंड एक्सेटू कंजर्वेशन क्या होता है इंसेटू में क्या होता है एक्सेटू में एक एक एग्जांपल आपको क्लियर कर देगा इंसेटू कंजर्वेशन जो है इसमें मान लो आपको किसी टाइगर को कंजर्व करना है तो आप सिर्फ टाइगर को कंजर्व नहीं करेंगे इस टाइगर को कंजर्व करने के लिए आपको पूरे के पूरे जंगल को संरक्षण देना पड़ेगा यानी कि इंसेक्टिव कंजर्वेशन के अंदर बायोडाइवर्सिटी एट ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल इज कंजर्व दिस इज द इंसेक्टिव कंजर्वेशन अगर कोई हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पर तुरंत प्रभाव से है तो फिर ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है बिकॉज इट टेक्स अ टाइम ठीक है ये टाइम टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन इसमें क्या होता है इंसेक टू कंजर्वेशन के अंदर इन्सेटू कंजर्वेशन में क्या है कि अगर आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका अगर आपको टाइगर को कंजर्व करना है तो आप सिर्फ टाइगर को नहीं पूरे जंगल को संरक्षण देंगे दिस इज द अप्रोच ऑफ इंसेट टू कंजर्वेशन यानी कि बायोडावर्सिटी एट ईच एंड एवरी ट्रॉपिक लेवल इज कंजर्व जबकि एक्सेटू कंजर्वेशन में क्या होता है हम उस स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर अंडर ह्यूमन केयर एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में संरक्षण देते हैं तो अगर तुरंत प्रभाव से किसी को बचाना है तो एक्सेटू कंजर्वेशन इज द प्रैक्टिकल अप्रोच क्या करेंगे उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के अंडर ह्यूमन केयर एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में हम उसे रख लेते हैं दिस इज द थिंग इन्सेटू कंजर्वेशन के अंदर जो जो चीजें आती हैं इंसिटू कंजर्वेशन के अंदर एक तो बेटा आएगा आपका हॉटस्पॉट इंसिटू कंजर्वेशन में एक तो आता है आपका हॉटस्पॉट फिर ठीक है फिर आते हैं आपके इसके अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज प्रोटेक्टेड एरियाज में आपके साक्रेट ग्रूव्स एंड लेक्स हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और आपके नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ठीक है ये आता है सब आपका इंसेक्टिव कंजर्वेशन में हॉटस्पॉट प्रोटेक्टेड एरियाज में सैक्रेड ग्रूव एंड लेक्स बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हां जी नेशनल पार्क कितने हैं टोटल फोर एट नेशनल पार्क हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी हैं

थर्टी फोर हॉटस्पॉट है ओवर द वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू द एनसीआर पहले पच्चीस थे अभी थर्टी फोर है इंडिया की मैं बात करूं इंडिया के अंदर आपके तीन हॉटस्पॉट हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक एक पॉइंट से इंडिया के अंदर तीन हॉटस्पॉट है कौन कौन सा है दैट इज द हिमालयन रीजन इंडोबोमो रीजन वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका आप सोच रहे थे मैम बर्मा श्रीलंका इंडिया की कहते कहते आप तो तो भाई इसकी बाउंड्रीज आसपास के देशों में भी हैं, ठीक है तो ये क्वेश्चन आता है तो ये हमने बात की इंसेटू कंजर्वेशन सबसे पहला पॉइंट है इंसेटू कंजर्वेशन में अगर टाइगर को अप्रोच क्या है टाइगर को कंजर्व करना है तो पूरे जंगल को संरक्षण देना पड़ेगा यानी कि बायोडाइवर्सिटी एट ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल इज कंजर्व इन द इंटिट्यू कंजर्वेशन एक तो इसके अंदर हॉटस्पॉट आते हैं हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ा कि पहले 25 हुआ करते थे अभी वर्ल्डवाइड थर्टी फोर हॉटस्पॉट हैं इंडिया के अंदर तीन हैं दैट इज़ द वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका इंडोबामा रीजन एंड द इंडोबामा रीजन एंड द हिमालयन रीजन प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं उसमें एंड लेक्स बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं टोटल 448 नेशनल पार्क है 99 नाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है चौदह बायोस्फीयर रिजर्व है इसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी अब हॉटस्पॉट हमने बोल दिया कि पहले 25 थे अभी थर्टी अभी इनका क्राइटेरिया क्या है किस बेस पर बोलोगे कि हाँ ये जगह हॉटस्पॉट है तो तो एक स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए हाई डिग्री ऑफ होना चाहिए हाई डिग्री ऑफ एंडमिजम का मतलब बहुत सारी एंडमिक स्पीशीज हो एंडमिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज जो केवल वहीं पाई जाती हैं इसके अलावा कहीं ना पाई जाती है और हाई डिग्री ऑफ थ्रेट होना चाहिए कि की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा हो ठीक है क्या बताया किस बेसिस पर आप डालोगे कि हां भाई ये हॉटस्पॉट है तो हॉटस्पॉट के लिए जो क्राइटेरिया है ये है स्पीशीज रिचनेस हाई डिग्री ऑफ एंडमिज्म मतलब बहुत सारे एंडमिक स्पीशीज यहां पर हो हाई डिग्री ऑफ हाई डिग्री ऑफ थ्रेट अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो आप इसे कह देंगे कि हाँ भाई मतलब एक्सटेंक्शन की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा हो ना तो आप कह देंगे कि ये हॉटस्पॉट है ये तीन क्राइटेरिया है हॉटस्पॉट के इट इज ऑल अबाउट द इनसेटिव कंजर्वेशन ठीक तो है तो हाई डिग्री ऑफ एंडमिजम होना चाहिए हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ थर्ट के लुप्त होने की संभावनाएं भी ज्यादा हो तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो हॉटस्पॉट कह देंगे पहले 25 अभी 34 फोर हॉटपॉट इंडिया के अंदर तीन हॉटस्पॉट नाम बता चुके हैं और इनसेटू के अंदर सारी चीजें एक क्वेश्चन हंड्रेड आता ही आता है यहां से अब बात करें एक्सेटू कंजर्वेशन की एक्सीटू कंजर्वेशन का अप्रोच क्या तो एक्सीटू कंजर्वेशन का अप्रोच ये है कि आपका एक्सेटू कंजर्वेशन में ऐसा होता है कि उस स्पीशीज को उस ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर हम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं अंडर द ह्यूमन केयर अब एक्सिट पहले तो बायोस्फीयर रिजर्व पता रहती सर एक्सिटी कंजर्वेशन बायोस्फीयर रिजर्व में ये याद रख लेना चौदह बायोस्फीयर रिजर्व है ना टोटल एक तो नाम और डिटेल सिर्फ इतना पूछता है इसका जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर तीन जोन होते हैं इसके अंदर दैट इज द कोर जोन बफर जोन एंड द ट्रांशन जोन बायोस्फे रिजर्व में तीन जोन है टोटल ठीक है टोटल चौदह बायोस्फेयर रिजर्व तो है ही सही ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया तीन जोन है दट इज दब से अंदर वाला जो है इट इज द कोर जोन इसके बाहर जो है दट इज द बफर जोन और सबसे बाहर वाला जो है इट इज द ट्रांजिशन जोन कीवर्ड्स यही लिख रही हूं मैं आपको कोर जोन की बात करूं ये लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है विदाउ विद लीगली प्रोटेक्टेड ह्यूमन एरिया है किसी भी तरीके का ह्यूमन नो ह्यूमन इंटरफेरेंस किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी यहां पर अलाउड नहीं है विद नो ह्यूमन इंटरफेरेंस ठीक है बफर जोन की बात करें कोर जोन के जस्ट बाहर है यहां पर कितना सिर्फ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग पर्पज जितना ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग जितना ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर अलाउड है ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन इज अंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस जोन यहाँ पर यहाँ के ट्राइबल लोग यहाँ पर रहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा खेती बाड़ी होगी ट्रांसपोर्ट होगा देखो ना घर बना रखे मैंने खेती बाड़ी ट्रांसपोर्ट सब होता है लेकिन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए दिस इज ऑल अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व ठीक है टोटल फोर्टीन बायोस्फीयर रिजर्व तीन जोन दैट इज द कोर जोन बफर जोन एंड द ट्रांजिशन जोन सबसे इंटरनल पार्ट कोर जोन लीगली प्रोटेक्टेड एरिया किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ अलाउड नहीं होती इसके जस्ट बाद होता है आपका बफर जोन बफर जोन के अंदर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग पर्पज जितना ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है इसके सबसे बाहर ट्रांजिशन जोन ह्यूमन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट जोन ह्यूमन सेटलमेंट एग्रीकल्चर सब कुछ यहाँ पर होता है लेकिन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए इट इज ऑल अबाउट द दिस नेक्स्ट हम जो इन्सेटू कंप्लीट हो गया नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेट कंजर्वेशन एक्सिटू के अंदर क्या क्या आता है देखो इट इज प्लांट्स एंड होम गार्डन आएंगे फिर आपका सीड बैंक फील्ड जीन बैंक सीड बैंक फील्ड जीन बैंक क्रायोप्रिजर्वेशन ये सब इसके अंदर आता है ठीक है और आपके बॉटनिकल गार्डन्स जूलॉजिकल पार्क एक्वेरिया बोरेटा एंड वाइल्ड लाइफ ये यह सारा आता है एक्सिट्यू कंजर्वेशन के अंदर ठीक है सेक्रेट प्लांट्स एंड होम गार्डन सीड बैंक फील्ड जीन बैंक क्रायोप्रिजर्वेशन बॉटनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क एक्वेरिया एंड द वाइल्ड लाइफ सफारीटिव कंजर्वेशन इट इज ऑल अबाउट दिस इट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस ठीक है सिर्फ यही सारे की वर्ड की पॉइंट्स हैं, जहाँ से इस पर्टिक्युलर चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन से हजार हंड्रेड परसेंट मान के चलो इसके कंजर्वेशन से इनसीटू कंजर्वेशन पूरा एक्सिटू कंजर्वेशन डिटेल से क्वेश्चन आता है तो मेक इट श्योर ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप दिट्स ऑल अबाउट दिस कल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इकोलॉजी की सारी यूनिट की सुबह और शाम को नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच गाय इट इज ऑल अबाउट माई टू सेशन प्लीज इट द लाइक बटन एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन मेक इट श्योर जिनने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है यू कैन सब्सक्राइब टू द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं वाया दिस कोड जो कि आपकी अपनी मैम का नाम है शिवानी इस कोड को अप्लाई करने से आपको आपकी फीस पर 10 परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस मेरा मेंटरशिप डीपीपी क्वेश्चन बैंक स्टडी मटेरियल तमाम बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे और जिसने भी मुझे अभी तक यहाँ फॉलो नहीं किया है भाई अन अकेडमी डॉट कॉम कैसे बताओगे मुझे तो आपको अरे भाई कॉल मी आफ्टर टेन मिनट्स सेशन के बाद बात करें भाई हाँ जी तो अन अकेडमी डॉट कॉम अरे यार माइक गया क्या नहीं आवाज आ रही है अन अकेडमी डॉट कॉम एट द रेट शिवानी वन नाइन नाइन जीरो जिसने भी अभी तक मुझे यहाँ फॉलो नहीं किया है मुझे यहाँ पर फॉलो कीजिए नोटिफिकेशन ऑन कर दो जिससे कि मेरी सारी फ्री क्लासेस जितनी भी होती है उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए फॉलो करने के बाद यहाँ पर मैसेज सेंड करने का ऑप्शन होता है यू कैन सेंड मी द मैसेजेस ओवर ही मैं इनको रेगुलर बेसिस पर चेक करती हूँ एंड आई विल रिस्पॉन्ड यू अबाउट द सेम और यहाँ पर आप कल सुबह आठ बजे अनअकेडमी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर नहीं कल सुबह आठ बजे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का थर्ड पार्ट मैं डिस्कस करूंगी थर्ड लेक्चर होगा और शाम चार बजे भी क्लास होगी तो मेक इट श्योर आप ये दोनों क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ये भी मैंने पब्लिश नहीं की बट थोड़ी देर में पब्लिश कर दूंगी और उसका लिंक टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा सुबह आठ बजे अनअकेडमी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने वहाँ स्टार्ट कर दिया है तो अटेंड कर लीजिएगा थैंक यू बाय